अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। मैं आज मौजूद हूं मुजफ्फराबाद में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ। पिछले चंद हफ्ते से हम ये देख रहे हैं कि भारत की जानिब से एक जंगी जुनून नज़र आ रहा है, जंगी जुनून सवार है उस दिन से जिस दिन से पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के हवाले से आवाज़ उठाई। उस दिन के बाद से एक ना एक बहानाबाजी भारत की तरफ से नज़र आती है, इश्तियाल अंगेज़ी उनकी तरफ से नज़र आती है, जिस पर आज हम तफसीली बात करेंगे और जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो जानेंगे अपने कश्मीरी भाइयों से। लेकिन उससे पहले ये बताते चलें कि आज भी जो बिला इश्तियाल फायरिंग हुई है भारत की जानिब से, भारतीय फ़ौज की जानिब से, उसमें 11 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं, हमारे 3 फौजी जवान शहीद हुए हैं और इसके अलावा 21 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और ये भारत की जो फायरिंग है, जो भारतीय अफवाज की फायरिंग है, वो एक तरफ नहीं है, वो LOC के दोनों तरफ हमें नज़र आ रही है। वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में भी पिछले 4 महीने में 120 अफराद शहीद हो चुके हैं, बहुत सारे ज़ख्मी हैं, बहुत सारे लोग अपनी आंखें खो बैठे हैं भारतीय फ़ौजियों की इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से। और यही सिलसिला जो है LOC के इस पार भी देखा जा रहा है आज़ाद कश्मीर में। कल सरताज अजीज साहब ने एक कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए बताया था कि 30 सिविलियंस जो है वो शहीद हो चुके हैं पिछले चंद दिनों की ये जो फायरिंग है LOC में। आज का वाकया भी नहायत ही अफसोसनाक है और ये कहा जा सकता है कि गिरी हुई हरकत है पाक भारतीय फ़ौजियों की जानिब से। LOC पे वो फायरिंग करते हैं जब हमारी फ़ौज पे, तो भरपूर जवाब दिया जाता है, जैसे आज भी 7 भारतीय फ़ौजियों को जो है हलाक किया गया। लेकिन आज जो हरकत की है भारतीय फ़ौजियों ने वो नहायत ही गिरी हुई हरकत है। एम्बुलेंस पर फायरिंग की गई, मुसाफिरों की बस पर फायरिंग की गई, जिसमें नीलम वैली में 10 अफराद जो हैं शहीद हैं और काफ़ी सारे इसमें ज़ख्मी भी हैं। तो हम तफसील से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीरुद्दीन साहब, आपने रिपोर्ट किया है, क्या हालात हैं इस वक्त वहाँ पर? देखें, इस वक्त तो हालात ये हैं कि भारत ने जब से सीज़ फायर माहदा हुआ था 2003 के बाद, उसके बाद सबसे शदीद जो गोलाबारी की है आज, और उसका सबूत यह है कि दरिंदगी करते हुए सिविल बस पर गोला दागा गया, जिसकी वजह से वो बस तबाह हुई और इतने मुसाफिर जो है 10 वो शहीद हुए, 11 ज़ख्मी हुए। और उसके बाद यही नहीं किया, उसके बाद ये भी किया गया कि एम्बुलेंस आई थी ज़ख्मियों को लेने, उनको भी उसको भी टारगेट किया गया और जिसकी वजह से वो काफ़ी नुकसान भी पहुंचा, और एक मोटरसाइकिल सवार को भी टारगेट किया गया, जिसके बाद जो है एहतियातन वहाँ सड़क को है बंद किया गया कि कहीं लोगों का नुकसान ना हो। तो अब जो सूरत हाल है, जो सीज़ फायर के बाद नीलम वैली तामीर और तरक्की की तरफ जा रही थी, अब फिर उसको उजाड़ने के दर पे है खूबसूरत वादी को भारत, और उसका सबूत आज उसने दरिंदगी करके दिया। आलमी माहदे जितने मौजूद हैं कि आप जंग में भी जिस चीज़ को टारगेट नहीं कर सकते, आज जंग के बगैर उसने टारगेट किया, और ये बहुत बड़ी दरिंदगी है मेरे ख्याल में। इसको जो है यकीनन नोटिस लेना चाहिए उन अदारों को जिन्होंने ये कानून बनाया। बात भी करते हैं, हम कोशिश कर रहे थे कि नीलम वैली जाएं, लेकिन वहाँ पे जो बिला इश्तियाल फायरिंग है भारत की जानिब से, उसके बाद वो रास्ता बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त मुजफ्फराबाद में जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, इस चौक का नाम रखा गया है शहीद बुरहान वानी के नाम से, 8 जुलाई को जिसको शहीद किया गया कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, जिसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर एहतजाज भी हुआ और उसके बाद से हमने देखा कि भारतीय फ़ौज की जो इश्तियाल अंगेज़ी है वो उससे ज़्यादा बढ़ गई। स्टूडियो में भी हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। दिफाई तज़िया का शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हज़रात से मैं बात करूंगा, लेकिन चंद लोग जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। मियाँ वहीद साहब हमारे साथ हैं, जो कि 2 दफ़ा MLA मुंतखब हो चुके हैं नीलम वैली से ही, ये आप ही का इलाका है जहाँ पर आज फायरिंग हुई है। ये तो हमने देखा है कि LOC पे जो पाकिस्तान फ़ौज की चेक पोस्ट है वहाँ पर फायरिंग होती है, लेकिन वहाँ से भरपूर जवाब भी दिया जाता है। आज जो हरकत की है इंडिया ने और इंडिया की फौज ने, ये नहायत ही गिरी हुई हरकत है कि एम्बुलेंस पे फायरिंग करना और मुसाफिरों की बस पर फायरिंग करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा समा का कि आप नीलम वैली के 3 लाख इंसानों का दर्द बांटने के लिए आज यहाँ मुजफ्फराबाद हमारे साथ मौजूद हैं, और बिलखसूस गुज़श्ता अरसा से तवातर के साथ जो सरहदी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और बिलखसूस आज के दिन जी नीलम वैली में नगदर के मकाम पर एक मुसाफिर बस जो शारदा से मुजफ्फराबाद के लिए आ रही थी, सुबह 8:30 बजे के वक्त उस मुसाफिर बस को इंडियन आर्मी की तरफ से हिट किया गया, रॉकेट लॉन्चर मारा उस बस पे, जिसके नतीजा में 9 लोग जो हैं मौके पे शहीद हो गए और बकिया ज़ख्मियों को लेके अस्पताल पहुंचाया गया। एक ज़ख्मी की मुजफ्फराबाद पहुंच के वहाँ उसकी शहादत वाक़िया हुई,
और सबसे बड़ी बदकिस्मती की जो बात है या अफसोसनाक बात यह है कि जिस वक्त रेस्क्यू के लिए जब एम्बुलेंस गाड़ियां वहां पहुंची तो एम्बुलेंस गाड़ी को भी हिट किया गया, एक मोटरसाइकिल जो है उसको भी हिट किया गया। तो ये एक खुली दरिंदगी है हिंदुस्तान की तरफ से, आलमी बरदरी को इसका बाहर सूरत नोटिस देना चाहिए। हम हुकूमत पाकिस्तान से बिलखसूस जनाब वज़ीर आज़म से ये कहना चाहेंगे कि कल की नीलम जो एक जन्नत थी आज वो मकतलगाह बन चुकी है, इसका नोटिस दिया जाना क्या चाहिए। करना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को, आज उन्होंने कहा है हम कश्मीरियों के साथ खड़े हुए हैं, क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? मैं तो ये कहूँगा कि हर हरबा इस्तेमाल करना चाहिए। 2003 के अंदर जो सीज़ फायर माहिदा हुआ है वो माहिदा बाहर सूरत बहाल होना चाहिए, उसका एहतराम किया जाना चाहिए, इंटरनेशनल कम्यूनिटी तक कश्मीरियों का ये दर्द जो है ये पहुंचाना जाना चाहिए। आज ये जो वाकया हुआ है भाई साहब, ये कितने अरसे बाद ऐसे देखा है कि इस तरीके से सिविलियंस को हिट किया गया हो, शहरियों को हिट किया गया हो? 13 साल के बाद 2003 में जब सीज फायर हुआ, उससे पहले 14 साल तक नीलम वैली में गैर अलानिया जंग रही। इस नीलम वैली की 2.5-3 लाख की आबादी में 2500 लोग शहीद हुए, 5000 लोग पिछले 14 साल में जख्मी हुए और अरबों रुपये की जायदादें जो हैं वो तबाह हुई। 13 साल के बाद आज पहली दफ़ा उन्होंने हमारी लाइफ लाइन जो है मैन नीलम वैली रोड उसको हिट किया, मुसाफिर बस को हिट किया, और ये आप कह सकते हैं कि इस वक्त नीलम वैली के 3 लाख से ज्यादा लोग अमलन महसूर हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही सड़क है नीलम वैली रोड जिसको बंद कर दिया। ठीक है, स्टूडियो से आप शायद लतीफ़ साहब, क्या चाहता क्या है इंडिया? LOC पे फायरिंग, आज सिविलियंस को निशाना बनाया गया, कभी सबमरीन से जो है पानी में वायलेशन होती है, कभी ड्रोन उनका यहाँ पे उड़ा होता है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक से दावे, चाहता क्या है इंडिया? देखें, आपने जो कमेंट पास किया कि नहायत गिरी हुई हरकत है, मुझे एक दो अल्फाज और ऐड करने की इजाजत दें। ये गिरी हुई हरकत भी है और ये नहायत बुजदलाना हरकत है, शर्मनाक हरकत है, अफसोसनाक हरकत है, और जुर्रतमंदाना जो जंग होती है वो फिर आप एक तो ये कि जंग के वक्त ऐसे काम करते हैं और फिर भी जो सिविलियन आपके शहरी हैं उनको आप टारगेट नहीं करते, इसके ऊपर जनीवा कन्वेंशन है बाकायदा, और ये एक मैं समझता हूँ जंगी जुर्म है और इंटरनेशनल कोर्ट में इसको बाकायदा चैलेंज किया जा सकता है और किया और हमें करना चाहिए। अब चाहता क्या है, देखें इसको आप यूँ देखिए कि इस वक्त जो हिंदुस्तान जिन हालात का शिकार है उनमें सबसे बड़ा कश्मीर का मसला है, और कश्मीर का मसला ऐसा है कि जिस पे पूरी दुनिया अब जैसे हमने बुरहान वानी जो है उनकी शहादत के बाद देखा, अब तो कितना अरसा गुजर गया मगर वो जो तहरीक है वो नीचे जाने का नाम नहीं ले रही, वो दबाई नहीं जा सक रही हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया जो है उस पर उंगलियाँ उठा रही है। तो भारत इस वक्त नहायत परेशान को हालत में किसी ना किसी तरह दुनिया की तवज्जो जो है वो वहाँ से हटाना चाहता है और वो हटा नहीं पा रहा, तो लिहाजा उसके अंदर फिर आप देखिए आप उसकी वायलेशंस समंदर में हो गई, हवा में भी आ गई, ज़मीन पे बार बार करता है कि लोगों की तवज्जो दुनिया की तवज्जो वहाँ से हटाई जाए। दूसरा मसला उसको ये है कि अब वो UP के इलेक्शंस आ रहे हैं और इन इलेक्शंस में जो वोट बैंक है उसका दारोमदार इस पर होता है, आपने मोदी जो हैं जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उनकी भी इलेक्शन कैंपेन का नारा आपने एंटी पाकिस्तान सुना था, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर हमारे यहाँ PMLN जो है वो हुकूमत में आई तो आपको याद होगा कि इनके नारे में एंटी इंडिया स्लोगन शामिल नहीं था, वो अपने मुल्क के काम करने जो हैं वो उनके नारों में शामिल होते हैं, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। तो फिर से ये तरीका जो है इख्तियार किया जा रहा है कि वो नारा लगाया जाए, वो पाकिस्तान के खिलाफ वो काम चंद एक्शंस कर ली जाएं जिसके तहत उनके वोट्स में इजाफा हो सके, ये दूसरी वजह है। और तीसरी वजह जो इसकी है वो आपका CPAC है, पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा करना, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करना, ताकि यहाँ जो CPAC को कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं उसके अंदर खलल अंदाजी पैदा की जाए, ये हिंदुस्तान का अगला बड़ा मकसद है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इन सब में उसको नाकामी होगी, हमारी हुकूमत को बाकायदा इसका नोटिस लेना चाहिए और वो तरीके इख्तियार करने चाहिए जिसके तहत हम भारत का ये जो खौफनाक चेहरा है और उसके नापाक अजायम है वो दुनिया के सामने लाएं और उसको पूरी तरह हम बेनकाब करें। सही है, मैं जुबैर साहब से अगर पूछ सकूं, जुबैर साहब किस तरीके से ये इस इशू को आलमी सतह पर अब उठाया जाएगा, जो यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है उसको भी डोजियर दे दिया गया है, लेकिन फिर भी भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी रुकी नहीं है, और ये बड़ा खतरनाक इसलिए हो सकता है सिर्फ दोनों ममालिक के लिए नहीं, इस पूरे खत्ते के लिए, कि दोनों ममालिक जो है वो न्यूक्लियर स्टेट है और कहा जा रहा है कि महदूद जंग की तो कोई गुंजाइश नहीं है, तो क्या चाहता है इंडिया और पाकिस्तान क्या करेगा इस हवाले से? ये मेरा ख्याल है एयर मार्शल साहब ने अच्छा समअप किया है, क्योंकि ये समझना जरूरी है
कि इंडियंस के इसमें ऑब्जेक्टिव है क्या, सिर्फ ये नहीं है कि जी गोलाबारी करती और उसका कोई मकसद हल हो क्या? एक तो उनका सबसे बड़ा मसला जो है वो डोमेस्टिक ऑडियंस है, और एयर मार्शल साहब ने सही कहा था कि पाकिस्तान इज़ नॉट ऑब्सेस्ड, कोई भी, नॉट जस्ट PMLN, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप 2013 में उठा लें, वो एंटी इंडिया नारे पर इलेक्शन नहीं लड़ती है। इंडिया में बिल्कुल मुख्तलिफ है वो, जब तक आप अपना वो भरपूर मुखालफत नहीं शो करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और गालियाँ नहीं देते हैं तो उस वक्त तक नहीं होता। दूसरा ये है कि वो बूदी साहब की जो इकोनॉमिक रिवाइवल की जो पॉलिसी थी और जिसके बेसिस पर उनको वोट मिले थे, वो उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो अब उससे तवज्जो हटाने के लिए एक वो एंटी इंडिया वो किया है। और यूपी का इलेक्शन बहुत क्रूशल है बीजेपी के लिए, और वो जीतने के लिए वो समझते हैं कि वो तो इकोनॉमिक डिलीवरी नहीं कर सके, तो इस वजह से उसको तवज्जो हटाने के लिए। मेरा ख्याल है जो आपका जो बुनियादी क्वेश्चन था कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, हुकूमत को मेरा ख्याल है एक तो बिल्कुल क्लियर मैसेज है, बावजूद इसके कि इनिशियली 2013 में जब हम आए थे तो हमने ज़रूर कोशिश की थी कि इंडिया के साथ हाथ बढ़ाया जाए और ट्रेड नेगोशिएशन की जाए, नॉर्मल वर्किंग रिलेशनशिप कायम की जाए, लेकिन मोदी साहब ने बिल्कुल डिसअपॉइंट किया आने के बाद, और वो फ्रॉम बैड टू वर्स होता चला गया। तो हम बिल्कुल एट एवरी फोरम, पिछले 3 महीने में भी हमने भरपूर कोशिश की है एट एवरी फोरम, यूनाइटेड नेशंस में आज भी जो मलिया लोधी हैं पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने स्ट्रांगली उसको कंडेम किया है, वो मिल रही हैं सेक्रेटरी जनरल के साथ, और आज वो एक फोरम में वहाँ तकरीर भी उन्होंने की है 2-3 दफ़ा, और हम इंडिया को एक्सपोज करेंगे। हमारा फॉरेन ऑफिस बिल्कुल इस चीज़ का, जो अवाम की ख्वाहिशात है, अवाम और ख़ास तौर पर कश्मीरियों की, और ख़ास तौर पर जहां आप खड़े हैं और जहां जो लोग सफ़र कर रहे हैं सिविलियंस, और इस चीज़ को ज़्यादा एक्सपोज करने की ज़रूरत है कि ये जो बर्बरियत है कि वो जो वॉर में भी आपने जिस तरह से कहा कि वो एक्सपोज किया भी है और किया भी जाएगा, मजीद किया भी जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे भी मैं बात करता हूँ। आज ये वाकया हुआ है, इससे पहले भी LOC पे फायरिंग होती रही, क्या करना चाहिए आपके ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को? हुकूमत पाकिस्तान को यहाँ पर चाहिए कि इसको ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं इनको भी चाहिए इस पर भारत को ये पैगाम दें कि यहाँ कश्मीरी के इंसान नहीं है। कश्मीरियों को पिछले 4.5 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, और किस बेरहमी से और किस बेदर्दगी से कश्मीरियों को मारा जा रहा है, और ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं अक़वाम मुत्तहिदा, उन्होंने इस किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया, और पिछले तकरीबन 1.5 माह का लगभग अरसा हो चुका है जो LOC है इस पर इस तरह के हालात कशीदा हो चुके हैं। यहाँ के जो कश्मीरी हैं पुरामन हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, इन पर कितनी बेदर्दगी से इनको, इनके ऊपर शेलिंग की जा रही है, मार्टर गोले बरसाए जा रहे हैं। आज का जो एक वाकया है जो नीलम वैली से हुआ, बेसिकली मेरा तलक भी नीलम वैली से ही है, आपका वहीं तालुक है, हाँ। और ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ, उसके अंदर कितनी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। लेकिन ये मैं यहाँ मोदी को और इंडिया गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम जो कश्मीरी हैं और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, उस पार भी देख लें, आपकी फ़ौज पिछले 4 माह से ज़्यादा कर्सा हो चुका है, कर्फ्यू लगा हुआ है, बुलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बावजूद कश्मीरी बाहर निकल रहे हैं और हर तरह की सरगर्मियाँ वो कर रहे हैं। तुम जो कुछ करना चाहो कर लो, लेकिन कश्मीरी अवाम किसी किस्म से पीछे नहीं हटने वाली। मैं यहाँ एक और बात भी बताता चलूँ, मैं CMH में गया अभी, वहाँ से होके आया हूँ, जो ड्राइवर था उससे मेरी बातचीत हुई, उसने मुझे कहा कि मुझे मुसाफिर बस का ड्राइवर जो था, बस का जो ड्राइवर था वो, उसको मैंने देखा भी यहाँ पर, उसको गर्दन में शेल लगा हुआ है, तो वो कह रहा था उसके बाद तकरीबन बस के अंदर कह रहा था उसी ऑन द स्पॉट 7 कैजुअल्टी वहाँ पर हुई हैं, लेकिन मैं उसके बावजूद बस 4-5 किलोमीटर में लेके आया हूँ। तो मैं मोदी सरकार को ये बताना चाहता हूँ, कश्मीरी डरने वाले नहीं है, जख्मी होने के बावजूद भी उस ड्राइवर ने बस को आगे लेके आया और बाकी जो उसके अंदर जख्मी थे, बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है उसने। आप क्या समझते हैं कि इस पर बार बार बात होती है हमारी हुकूमत की तरफ से कि हमने आला सतह पर, आलमी सतह पर आवाज़ उठाई है कि ये यहाँ पे बर्बरियत है, यहाँ पे वायलेशन हो रही है, लेकिन फिर भी दुनिया की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिला है हमें, क्या वजह हो सकती है? देखें, हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत वीक हैं, हमारा कोई परमानेंट फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। ये चीज़ें इस वक्त इस तरह मूव हो रही हैं दुनिया के अंदर, जिस स्पीड के साथ चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, आप देखें कि हिंदुस्तान के ऊपर तो जंगी जुनून सवार है। अगर हम मोदी को ला कर जाती उम्र में साड़ियाँ और तोहफे देते रहेंगे तो फिर उसका शाखसाना तो हमें भुगतना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आज
इस वक्त जो हिंदुस्तान की तरफ से सिविल पॉपुलेशन के ऊपर फायरिंग की गई है, ये एक बुजदिलाना तरीन इकदाम है। और आज उसने ये साबित किया है कि वो दरिंदगी से पहले भी गुजरात में बाज नहीं आया, वहाँ पर भी उसने मुस्लिम कुश फसादात करवाए, मुसलमानों का कत्लेआम किया, और उसी पॉलिसी के ऊपर उसने हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर पहले पंडितों को, पहले हिंदू पॉपुलेशन को ला के आबाद करने की एक नाकाम कोशिश की। उसके बावजूद जब देखा कि वादी के अंदर कश्मीरी जो हैं वो यकजान हो के उनकी बंदूकों के सामने सीना तान के खड़े हो गए हैं। आप देखिए कि पिछले 4 माह से कर्फ्यू की सिचुएशन है, लेकिन कश्मीरी अपने हक के खुद इरादियत के हसूल के लिए। एक बात जो आपने की कि हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, तो अभी जुबैर साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि हर फोरम पर हमने आवाज़ उठाई है, यूनाइटेड नेशन में भी जब हम गए तो वहाँ पे ज़्यादातर वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है वो कश्मीरियों के हवाले से की है। देखिए, हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के मशकूर हैं कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन में बात की, इससे कबल भी यूनाइटेड नेशन में बात होती थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ही यूनाइटेड नेशन या आलमी ज़मीर को झंझोड़ेगी? मैं और आप तो नहीं झंझोड़ सकते। उसके लिए उनको एक परमानेंट फॉरन मिनिस्टर चाहिए जो जाके दुनिया की आँखों में आँखें डाल के हिंदुस्तान के काले करतूतों का पर्दा चाक कर सके। मुझे अगर आप एक लम्हा दें, इस वक्त हमारे साथ डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, मैं यहाँ पर इस वक्त मुजफ्फराबाद में मौजूद हूँ, कश्मीरी मेरे साथ मौजूद हैं, और ये बड़ी ही यहाँ पर जो है गम का माहौल है, क्योंकि आज नीलम वैली में 10 जो है हमारे कश्मीरी भाइयों को शहीद किया गया है। इस वक्त हुकूमत क्या करने का सोच रही है, किस तरीके से जवाब देगी डिप्लोमेटिकली, और इसके अलावा अगर कोई तरीक़ेकार हो तो? देखिए, डिप्लोमेटिकली तो ऑलरेडी उसके ऊपर सुबह से काम हो रहा है, जब से ये वाकया हुआ है, ये ट्रेजेडी हुई है, और फौज ने हमारी ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया है और उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा है निस्बतन हमसे, और हर जो वायलेशन जो है उसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इन काइंड रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और वहाँ पे ज़्यादा लोग जो हैं वो जो है वो लाशें ज़्यादा उठा रहे हैं, ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है भारत को। लेकिन डिप्लोमेटिकली भी जो है इसको इक्वली प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन तमाम मसाइल को आज भी उनके ऊपर उनकी जो है एक स्टेटमेंट आई हुई है, और तमाम जो एम्बेसीज जो हैं या जो इन्फ्लुएंशियल हैं इस वक्त इंटरनेशनल सीन पे मुमालिक उनके साथ रابطہ किया गया है, रेगुलरली रابطہ किया जा रहा है। तो डिप्लोमेटिकली जो है मेरा नहीं ख्याल के कोई कसर या कोई किस किस्म की कोई शॉर्टकमिंग हो। साहब, ये फरमाइएगा, जब इस पर बात की जाती है आलमी सतह पर तो वहां से रिस्पांस कैसा है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि वहाँ से इंटरनेशनल कम्युनिटी उस तरीके से सपोर्ट नहीं करी जैसे करना चाहिए। आपकी बात दुरुस्त है, हर मुल्क जो है वो अपने इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट जो है या उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके मुताबिक बात करता है। अगर ये कहें कि वो कोई एक्विटी की बात है या इंसाफ की बात है या बुनियादी हकूक की बात है, तो ये इंसिडेंट टू इंसिडेंट जो है ना वो वेरी करते हैं ममालिक में। उसमें अमरीका जो है, अगर इराक पे हमला करना था तो फौरी तौर पे झूठा सच्चा जो है रेजोल्यूशन पास किया और इराक पे हमला कर दिया, इसी तरह लीबिया, इसी तरह सीरिया। लेकिन फलस्तीन और कश्मीर के आवाम के लिए जो है, उनका जो हकूक के लिए जो है, कई दहाइयां गुजर गई हैं, रेजोल्यूशन पास हुए हुए हैं, लेकिन अमरीका का जमीर जो है वो भी सिलेक्टिव जागता है, वो कोई प्रिंसिपल्ड लोग वो भी नहीं है, इसी तरह यूरोपियंस हैं। तो मैं ये तो एक ऐसी ट्रेजेडी है जो सारी मुस्लिम उम्मा को फेस करनी पड़ रही है, कश्मीर में फेस तो करनी पड़ रही है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव होगा इंडिया पे, दबाव बढ़ेगा, या हम इससे उम्मीद ही छोड़ दें? अब नहीं, उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए, डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है वो जारी रहनी चाहिए, हम आइसोलेशन में तो नहीं रह सकते। ये इनके लिए आवाज़ जो है उसका असर कम होता है या ज़्यादा होता है, आवाज़ तो हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान को, पाकिस्तान उठा भी रहा है पिछले कई दहाइयों से, और अब ज़्यादा फोर्सफुली उठा रहा है, खसूसन बुरहान वानी की शहादत के बाद जो एक जो तहरीक इसने स्टार्ट हुई है, आज़ादी की तहरीक, और उसकी हीट जो है सारी की सारी इंडिया की पॉलिटिक्स फील कर रही है। इंडिया की पॉलिटिक्स में जो इस वक्त जो शिद्दत पसंद रुझानात की शुरू हुई है, मोदी ने जिनको जन्म दिया है, वो इसलिए जन्म दिया है कि वो डरते हैं कि अगर कश्मीर में खुदा न खास्ता उनके हिसाब से
अगर इंशाल्लाह ताला हमारी तो दुआ है कि ये तहरीक जो है अपनी अपनी मंजिल पे पहुंचे और कश्मीरी आजाद हों, कश्मीरी के खुद अरादियत अपना इस्तेमाल कर सके। एक आखिरी सवाल, आपने आपने आज इस खदशे का इजहार भी किया है कि ये जंग बड़ी हो सकती है दोनों ममालिक के दरमियान, जो कि जाहिर सी बात है दोनों ममालिक के मफाद में भी नहीं होगा, इस खत्ते के मफाद में भी नहीं होगा, दुनिया के मफाद में नहीं होगा, क्योंकि एटमी जंग खुदा न खास्ता अगर कोई होती है, दो एटमी ताकतों में जब जंग होती है तो फिर कोई पॉसिबिलिटी जो रूल आउट नहीं बदकिस्मती के साथ की जा सकती, फिर तो ये तबाही होगी, खत्ते की भी तबाही होगी और दुनिया भी इसके नतायज जो है वो खौफनाक नतायज जो है भुगतेगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, हमें ज्वाइन किया आपने, हम अपने कश्मीरी भाइयों से मजीद बात भी करेंगे, फिलहाल वक्त हुआ एक वक्फे का, इसके बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मैं आज मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद में, यहाँ मेरे साथ बहुत सारे कश्मीरी भाई मौजूद हैं और आज और इससे पहले जो हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से जो बर्बरियत होती रही है उस पर हम बात कर रहे हैं, इनका मौकफ भी ले रहे हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, मोहम्मद जुबैर साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं, वहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप ये जो इंडिया की तरफ से रवैया है इस वक्त? अब देखिए कि बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत के बाद मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारत ने जुल्म ढाए मजलूम लोगों पे, बेगुनाह लोगों पे, वहाँ पे 110 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया, 19,000 कश्मीरियों को भारतीय फ़ौज ने ज़ख्मी किया और अब देखिए कि 7,000 लोगों को वहाँ पे गिरफ़्तार किया गया, तो भारत पूरी दुनिया के सामने इस वक्त बेनकाब हो चुका है। कश्मीर के अंदर जो उसको रेजिस्टेंस का सामना है, जो कश्मीरी आवाम की मज़ाहमत का सामना है, तो उसने उस बात को डाइवर्ट करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, नक्याल सेक्टर पे, नीलम वैली पे, ततापानी पे और जो हटाने के लिए जो है पे जो फायरिंग कर रहा है, तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम आलमी बरादरी से मुतालबा करना चाहते हैं कि वो इस खत्ते के अमन को बचाने के लिए भारत पे दबाव डाले और उसको इस जारियत से रोके। जी, आज ये लोग जो शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, ये मेरे अजीज हैं, लेकिन मैं अपने नवाज शरीफ साहब से, जो हमारे वजीर आजम हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारा कफन पाकिस्तानी परचम होता है, आप मोदी आपने मतलब के लिए आपके पास लाहौर में आते हैं, आप भी उससे पूछें आप चाहते क्या हो, वहाँ जाके मोदी से पूछें आप चाहते क्या हो, जंग चाहते हो या अमन चाहते हो, हम आपके साथ खड़े हैं वजीर आजम साहब, हम कश्मीरी पाकिस्तानियों से बड़े पाकिस्तानी हैं, आपको डर किस बात का है, आप आए उससे पूछें आप चाहते क्या हो, आपको डर किस बात का है वजीर आजम साहब, हम दिन ब दिन लाशें नहीं उठा सकते, हम उठाना चाहते हैं या तो एक बार उठाना चाहते हैं ताकि इंडिया का भी अंदाज़ा हो जाए कि वो किस ख्वाब में है, किस दुनिया में सोया हुआ है वो। आपने अपने अजीज़ खोए, मुझे आपके जज्बात का अंदाज़ा है। स्टूडियो में मैं चलता हूँ, शाहिद लतीफ़ साहब मुझे ये बताइएगा कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें सरताज अजीज़ साहब शिरकत करेंगे, आपके ख्याल में जैसे इंडिया ने सार्क समिट का बायकॉट किया था, पाकिस्तान को ये रवैया अपनाना चाहिए या हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में जाके एक भरपूर अपना मुकदमा वहाँ पे पेश करना चाहिए, मुकदमा लड़ना चाहिए अपना? देखें, बिल्कुल आप हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ एशिया जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें जाएं, मगर सबसे बड़ी शर्त यह है कि वहाँ अगर जाएं तो वहाँ खड़े होकर दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखें और वो मुकदमा इतना भरपूर तरीके से रखें कि उसमें से कोई नतायज हासिल करने की कोशिश करें। सिर्फ मुकदमा रख देना और कहना कि हाँ जी हमने कश्मीर का मुकदमा रख दिया, जो कि आज तक होता चला आया है, और ये तकरीर कर देना और उसको फिर फॉलो अप ना करना, मैं समझता हूँ कि ये कमज़ोरी की निशानी है। हमें हर सूरत इसके नतायज जो हैं वो हासिल करना होंगे। अभी आपने, आप कश्मीर में खड़े हैं, लोगों के जज्बात देखिए, हर एक बंदा जो है वहाँ यह महसूस कर रहा है कि जैसे हुकूमत के यहाँ कोई नरम गोशा है हिंदुस्तान के बारे में। अब ये अवाम की आवाज़ है ना, और वो कहते हैं कि ज़ुबान खल को नकारा खुदा समझो, वो सच है। अगर लोग ये कह रहे हैं तो हुकूमत को इस पर कान धरने चाहिए और वो तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए कि जिसके तहत भारत का भयानक चेहरा हम दुनिया के सामने लाएं और इसमें से नतायज हासिल करें। आज जो कुछ उसने किया है और अरसा दराज से LOC पे करता चला आ रहा है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करें, सिक्योरिटी काउंसिल को इन्वॉल्व करें, OIC को इन्वॉल्व किया जाए, इसके ऊपर जो हमारी सफारतकारी है उसको मजबूत तरीन किया जाए। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का बायकॉट नहीं होना चाहिए, बायकॉट नहीं करना चाहिए, वहां जाके हमें एक भरपूर आवाज में जो है इंडिया के खिलाफ बात करनी चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि ये शर्तिया है, आवाम को सामने आप वहां पे खड़े होकर बोलें, आवाम के जज्बात की अक्कासी करें,
भारत का चेहरा दिखाएं, और अगर सिर्फ जाना है इसलिए कि जी हम जाना चाहते हैं और हिंदुस्तान के सामने या दुनिया के सामने हम एक ऐसा जज्बा जाहिर करना चाहते हैं कि देखें हिंदुस्तान तो बिल्कुल नहीं आता और हम उसके बावजूद हाथ बढ़ा रहे हैं, ये ताल्लुकात और ये जो दोस्ती है ये यकतरफा नहीं हुआ करती, और हम कर कर के अब ये थक गए, इसमें से नतायज पैदा होने चाहिए, तब अवाम खुश होगी, वरना उनको आपका जाना हरगिज कबूल नहीं होगा। जुबैर साहब, दो बातें हैं, एक तो यहाँ पे जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनके जो जज्बात हैं वो भी आप तक यकीनन पहुंच गए, वो कह रहे हैं कि अगर लाहौर आ सकते हैं मोदी साहब तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी मोदी साहब से सवाल कर सकते हैं कि क्या चाहते हो, अमन या जंग। दूसरा, आज यही जज्बात हमने सेनेट में भी देखे जब एतजाज एसएन जैसे सीनियर लोगों ने यह कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी कुलभूषण यादव का नाम तक नहीं लेते, क्या वजह है इसकी, ये दोनों चीज़ों का जवाब दे दें जी। मेरा ख्याल है ये, मैं देखें जब हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात कर रहे हों और सीरियस नेचर की बात कर रहे हों तो वो ओवरऑल मैं बात करूंगा, इस रिटोरिक में नहीं जाऊंगा कि जी हमें भरपूर अंदाज में करना चाहिए, ये बिल्कुल हो सकता है ओपिनियन हो सकता है, जिस तरह अभी एयर मार्शल साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि हमें अगर जाएँ तो वो कंडीशनल होना चाहिए कि जी, और बहुत से लोगों का मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनल राय ये है कि नहीं जाना चाहिए, बट ऑन सेकंड थॉट्स जिस तरह ये मार्शल साहब कह रहे हैं कि हमें भरपूर अंदाज में जाना चाहिए और अपना मुकदमा लेके जाना चाहिए। देखें ये एक चीज़ है, इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तौर पर भी देखना चाहिए कि सिर्फ हमारा ऑडियंस पाकिस्तानी अवाम या कश्मीरी अवाम नहीं है, इंटरनेशनल हमारी कम्यूनिटी भी है जिसमें हमारे अपने दोस्त जो हैं वो चीन है जिस तरह सर फहरिस्त, सऊदी अरेबिया है, वो भी हमारे से एक सर्टन बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान एंड इंडिया न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, तो जब हम जंग की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें एहतियात के साथ करनी चाहिए। तो एज अ लीडर, एज अ प्राइम मिनिस्टर, हमें एक बैलेंस रख के चलना होता है कि सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जी हम डरते नहीं हैं, डरने की बात नहीं है ना, हमारी फौज डरती है। मेरे ख्याल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, किस शख्स ने जंग की बात की है, किसी सियासी पार्टी ने जंग की बात की हो, किसी इदारे ने जंग की बात की हो, या जो लोग यहाँ पे इस वक्त जज्बाती कैफियत में हैं वो भी जंग की बात नहीं कर रहे इस वक्त। मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें उस बैलेंस को लेके चलना चाहिए कि जहाँ हम जंग की बात किए बगैर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते हुए हमारे अपने जो दोस्त ममालिक हैं जिस तरह टर्की है, जिस तरह चीन है, जिस तरह सऊदी अरेबिया है, जिस तरह बहुत से दूसरे अरब ममालिक हैं जो हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो भी हमें एक बैलेंस अप्रोच के साथ, आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि ये सऊदी अरेबिया जो हमारा करीब तरीन दोस्त है, उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को दिया है, हमारे कहने पर नहीं दिया, उन्होंने अपनी वजह से दिया है बिकॉज इंडिया उनके लिए इकोनॉमिक रेलिवेंस रखता है। सो वो बैलेंस भी देखना पड़ता है, और हमें सिक्योरिटी काउंसिल में भी जाना चाहिए, हमें यूनाइट नेशंस में हर फोरम पर उठाना चाहिए, ये कश्मीर के साथ हमारे जज्बात है, इट इज नेचुरल के जी हमें रिएक्शन करना चाहिए। और इंडिया को सेनेट में आज बात हो रही थी कुलभूषण यादव के हवाले से, ये पहले भी होती रही, आज भी होती रही, इसका भी मुख्तसर जवाब दे दें जी। मेरा ख्याल है ये जो कुलभूषण है, इनको जो अगर आप देखें, एक तो आप ये हमेशा एक तो फ्लीक करना शुरू कर देते हैं, उनको पकड़ने में सर फहरिस्त इंटीरियर मिनिस्टर शामिल हैं और उन्होंने भरपूर अंदाज में उनको एक्सेस किसने नहीं दिया, इंडियन डिप्लोमेट्स को उनको एक्सेस क्यों नहीं दिया, वो इंटीरियर मिनिस्टर ने नहीं दिया, इंटीरियर मिनिस्टर कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर के, अब ये एक इतनी छोटी सी बात की जी प्राइम मिनिस्टर ने नाम नहीं लिया, भाई यूनाइटेड नेशंस में खड़े होके इंडिया को इससे ज्यादा भरपूर अंदाज में क्या जवाब दिया जा सकता था, जहां तक तो हम सब आप ही के साथ तो हैं, पाकिस्तान के अवाम के, कश्मीरी अवाम के, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कुलभूषण नहीं, एक नाम आप जो पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, मैं नहीं सर, मैंने सेनेट का हवाला दिया, सेनेट में आज ये बहस हुई थी और सेनेटर एतजाज एसएन साहब ने सबसे ज्यादा ये नुक्ता उठाया है जी। बुनियादी तौर पे हम ये समझते हैं और सारी कौम ये समझती है कि एक मजबूत मुस्तकम और माशी तौर पर खुद मुख्तार पाकिस्तान जो है वही कश्मीर की आज़ादी की जमानत है, तो हिंदुस्तान को ये हमारी दाखिली जो है खुद मुख्तारी दाखिली अमन और माशी खुद मुख्तारी हजम नहीं हो रही है, ये वो सी पैक का मनसूबा उसको हजम नहीं हो रहा बुनियादी तौर पर, और उसी वजह से ये छेड़छाड़ कर रहा है। मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूँ, हिंदुस्तान कभी ये जुर्रत नहीं करेगा पाकिस्तान पर हमला करने की, उसको जो मजम्मत मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रही है जिसका सामना वो कर रहे हैं, 7 लाख फौज है और छोटी सी जगह बैठी हुई है, वो उस मजम्मत में दिन ब दिन और रोज़ बरोज इजाफा होता जाएगा, वो मजम्मत टूटेगी नहीं, वो उस मजम्मत से बुखला के ये सारे अरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह
कश्मीरी पहले भी कुर्बानियाँ देते आए हैं, अब भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में भी कुर्बानियाँ देते रहेंगे। हम किसी सूरत अपने असूली मौक़िफ़ से, अपने एक जायज़ मौक़िफ़ से जो अक़वामे आलम ने तस्लीम किया हुआ है, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे और इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर का ये इलाका दफाए पाकिस्तान की नाकाबले तस्खीर दीवार साबित होगा इंशाल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने फिर हाजिर, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मुजफ्फराबाद में हम मौजूद हैं आज, जहां नीलम वैली में 10 यहां पर शहरी शहीद हुए हैं। तो आज एलओसी पे फायरिंग की वजह से पाक फौज के 3 जवान भी शहीद हुए, जिनमें एक कैप्टन भी थे। और इसी तरह का वाकया 13 नवंबर को भिंबर सेक्टर में भी हुआ था, जब पाकिस्तान के 7 फौजी जो हैं वो शहीद हुए थे, भरपूर जवाब दिया गया था। आज भी 7 इंडिया के भारतीय फौजी हलाक हुए हैं और 13 नवंबर को भी 11 भारतीय फौजियों को जो है हलाक किया गया था फायरिंग, जवाबी फायरिंग में। उस दिन जब पाक फौज के 7 जवान शहीद हुए थे, उनमें एक जफर हुसैन भी थे, हवलदार जफर हुसैन, जो कि शहीद हुए थे। हमने उनकी फैमिली से बात की है और वो आपको हम दिखाते हैं कि फैमिली का जज्बा क्या है। उनके बच्चे भी आज ये कहते हैं कि हम भी बड़े होकर फौज में जाएंगे, बीवी को कोई गम नहीं है, उनकी माँ को कोई गम नहीं है। जरा देखिए। मैं इंशाल्लाह फखर अपने बेटे को कि जदन मावन सामने आया तो उस आख्या में मेरे लिए दुआ करो, मैं कौम नहीं कुर्बानी दे सूँ, मेरा बेटा शहीद हुआ और मैं फखर आ, मैं वाह माँ नहीं हूँ, मैं 5 बेटे फौजी है, 4 वापस आए, 1 शहीद हुआ। बात हुई थी कि दुआ करो कि माड़ी ख्वाहिश पूरी हो, मुझे जो ख्वाहिश चाहना हो वो माँ की दुआ नाल वाह पूरी हो। शहादत मंगी है सो अपनी माँ कला मंगी है सो वाह उसकी लब गई। सब माँ ऐसी बना जैसी माँ हूँ शहीद जफर की माँ। मैं बहुत फख्र करता हूँ कि मेरा बेटा कौम के पीछे शहीद हुआ, मुझे बहुत फख्र है। जिंदगी तो अल्लाह ताला के पास है, अपने मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं इंशाल्लाह पोतों को भी फौज में भर्ती कराऊंगा। जफर से इंशाल्लाह मुलाकात में ये कही थी कि आप मेरे वालदेन हैं, मेरे लिए दुआ करें कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, वो अमर के लिए मैं बेशक शहीद हो जाऊँ। बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उन्होंने ये बात की थी कि आप लोग दुआ करें मुझे शहादत का रुतबा मिले, मुझे बहुत फख्र है, मैं सैयद जफर हुसैन शाह शहीद की बेवा हूँ, मेरे 3 बेटे हैं और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इन्हें फौज में भेज दूँ, मैं एक ऐसी माँ बन सकूँ कि जो कौम के लिए अपने बेटे कुर्बान करूं। दुश्मन से लड़ना जानते हैं, दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं भी अपने वालिद की तरह ज़रूर अपनी कौम के लिए कुर्बानी दूंगा। हमारे घर से अगर एक जनाजा उठेगा, एक शहीद होगा, तो इंशाअल्लाह ताला हम 10 उसकी जगह तैयार होके इंशाअल्लाह अपनी सरहदों पर आएंगे। बड़ा होकर अपने अब्बू की तरह एक फौजी बनना चाहता हूँ, फौजी बनकर अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दूंगा। हमारे बाबा भी शहीद हुए और मैं भी शहीद हूँगा इंशाल्लाह। मेरे बाबा ने कभी भी मुझे डांटा नहीं और मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, मेरे बाबा ने कभी भी मुझे डांटा नहीं। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, पाकिस्तान फौज का और पाकिस्तान का हर शहरी जो है अपनी जान देने के लिए कुर्बान है। ना तो माँ बाप को कोई खौफ है कि हमारे बच्चे शहीद हो जाएं उस चीज़ का। कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को और क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए शहजाद साहब, हम आपके और समर टीवी की शुक्रगुजार हैं। आज जो पूरी इंसानियत दिल खून से रो रहा है, जो मकबूजा कश्मीर में जो हालात थे उसी को यहाँ उसकी फिल्म रिप्ले की गई, जो आज वादी नीलम में, कोटली में तथा पानी तीसरी जगह पे हो। तो इस मौका पर हम ये समझते हैं कि एक तो ये जनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफवर्जी है, ये आलमी बरादरी के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। अब यूरोपीय यूनियन, अक़वामे मुत्तहिदा, OIC का फ़र्ज बनता है कि 2 एटमी ममालिक के दरमियान अगर ये मामला हल करवाया तो आलमी अमन तहस नहस हो जाएगा। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ से मेरी ये अपील है
कि वो इस मौका पर आज़ाद कश्मीर दारुल हुकूमत का दौरा करें, बैंकर्स के लिए लोगों को महफूज मकाम पे मुंतकिल करने के लिए वो बाकी मसरूफियात छोड़ कर यहाँ आए, ताकि लोगों के हौसले, चूँकि तहरीक आज़ादी कश्मीर असम्बली तहरीक तकमील पाकिस्तान है। मौके जी सर क्या कहना चाहेंगे? इनफैक्ट ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस वक्त अटली और मार्टर यूज़ हो रहा है, ये वॉर क्राइम है, इसलिए कि जब हिंदुस्तान की फ़ौज ये जानती है कि इससे सिविलियंस मुतासर हो सकते हैं, और जब सिविलियंस मुतासर होंगे, और ये दूसरा ये कि ये डिसप्रोपोर्शनेट इसलिए है कि हिंदुस्तान की फ़ौज ये भी जानती है कि जब वो मोटर अटलरी का यूज़ करते हैं तो उससे शहरी आबादी जो है मुतासर हो सकती है, क्योंकि मोटर अटलरी इनडिस्क्रिमिनेट वेपन है, और जब इनडिस्क्रिमिनेट वेपन आप पॉपुलेटेड एरियाज़ में इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे जो ज़्यादातर मुतासर सिविलियंस होंगे, फौजी फाइल से ज़्यादा सिविलियंस को नुकसान होगा, तो ये वॉर क्राइम है जनेवा कन्वेंशन। शायद लतीफ़ साहब अभी आपने बात सुनी थी ख्वाजा आसिफ साहब की, वो कह रहे हैं कि महदूद जंग नहीं, जिस तरह के हालात हैं खुदा ना खास्ता कहिए ना हो कि बड़ी जंग का खदशा बढ़ जाए अगर इंडिया ने अपने आप पर काबू नहीं पाया, तो आप समझते हैं कोई इम्कान है इसका? और देखिए मेरा इसमें नुक्ता नज़र थोड़ा मुख्तलिफ है, और वो ये है कि हिंदुस्तान जुरत नहीं कर सकता पाकिस्तान के साथ जंग करने की, और उसकी बाकायदा वजूहत हैं, कन्वेंशनल हो यानी रवायती, गैर रवायती हो जैसे आर्मी चीफ ने भी कहा था, हॉट हो कोल्ड हो, हर सूरत पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, और इसका भारत को बखूबी एहसास है। इसीलिए आपने देखा पिछले दिनों में वो जो उड़ी के बाद एक बहाना साजी की गई कि जी स्ट्रेटेजिक वो सर्जिकल स्ट्राइक, वो तो उनकी जरूरत नहीं हुई, और ना वो कर सकते हैं, उन्हें मालूम है कि उसका जवाब क्या आएगा, कितना नुकसान होगा, तो ये नहीं होने जा रहा। वो जो हमने शुरू में बात की थी उनके मकासद कुछ और हैं, वो जंग करना नहीं है और जंग वो नहीं करेंगे, लिहाजा हमें इसके बारे में मैं नहीं समझता कि खामखा कोई खतरात महसूस होने चाहिए। उनका तरीक़ाकार पाकिस्तान को बग़ैर जंग किए कमज़ोर करना है, और वो उन्होंने हरबा इख्तियार कर रखा है, जिसमें दहशतगर्दी शामिल है, जिसके अंदर LOC पर यह काम करना शामिल है, दुनिया में आपको बदनाम करना है, आपकी मुआशी हालत ख़राब करना है, ये उसके अज़ायम है जिसके तहत पाकिस्तान को ओवरऑल कमज़ोर किया जा सके। जंग उसके लिए ऑप्शन नहीं है, और ना ही मैं समझता हूँ उसको जंग की ज़रूरत है। हमें उन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि जो उसके इरादे हैं उनमें उसको कैसे नाकाम किया जाए। और जुबैर साहब जो ये बार बार बात हो रही है कि कश्मीर मकबूजा कश्मीर में पर से तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है, उसमें आपके ख्याल में किसी हद तक कामयाबी हुई है इंडिया को या नहीं हुई है आलमी सतह पर? मेरे ख्याल किसी हद तक कामयाबी हुई है, बिकॉज जो मूवमेंट शुरू हुई थी वानी के शहीद शहादत से, और फोकस जो था वो इंटरनली वहाँ कश्मीर में, और इंडिया मेरा ख्याल काफ़ी बदनाम हो चुका था, तो उस हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि इंडिया ने डाइवर्ट करके और यहाँ अटेंशन बॉर्डर पर, LOC पर, और फिर बलूचिस्तान में हरकतें करके, मेरा ख्याल हमें इंडिया से तो कोई अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और जो एयर मार्शल साहब ने बात की है कि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड एनी लेवल ऑफ वॉर, तो उस हवाले से तो हमें ख़तरा नहीं है, लेकिन जैसे इंडिया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन कर रहा है, तो हमारा जाहिर सी बात है डिप्लोमेटिकली हमें बहुत एग्रेसिवली, पहले से बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली एट ऑल फोरम्स हमें रेज करना चाहिए ये इशू, और इंडिया का चेहरा, सही चेहरा बताना चाहिए। जी क्लास कमेंट कर लेंगे। जी मैं ये कहूँगा जी कि वादी नीलम में जो सिविलियन आबादी को बुझ के निशाना बनाया गया है, और ये सबसे बड़ा जुल्म है, और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर इसका नोटिस ले, और 2003 का जो हमारी सीज़ फायर का मुआहदा है उस पर अमल दरामद के लिए कोशिशें करें, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हम ये अपील करेंगे कि वो अपने ज़ाती तालुकात को बरूएकार ज़रूर लाएँ, लेकिन वो कश्मीरियों की जदोजहद को भी सामने रखें कि हम खून दे रहे हैं और पाकिस्तान की तकमील के लिए खून बह रहा है, और उसके लिए जो है वो बिल्कुल अभी कश्मीरी जो है वो तनहा अपनी शहादतों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कश्मीर पॉलिसी को मुस्तकिल बुनियादों पर लागू रखे, पता चले कि कश्मीर की पॉलिसी है क्या। अभी तक तो कश्मीर पॉलिसी वाजे नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही। पॉलिसी को वाजे करने की ज़रूरत है, हर फोरम पे उठाने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल फोरम पे उठाने की ज़रूरत है, और इसमें जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी वज़ीर आज़म साहब की है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आप लोग इस प्रोग्राम में मौजूद थे, और नाज़रीन भी हमें इस प्रोग्राम का फीडबैक दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, मुजफ्फराबाद से अल्लाह हाफिज़।